गाइज आम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो हम लोग 4 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। ये ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो जनरली आपसे पूछी जाती हैं आपके प्लेसमेंट में एंड कोर्स करिकुलम में एंड गेट में भी। तो एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो कैसे किसी सीक्वेंस पर आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, वो एल्गोरिथम कैसे एक्चुअली वर्क करती है एंड आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो अभी तक आपने अगर द दीपाली अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और जाके सब्सक्राइब करो। यहाँ पर मैं कुछ डाल रही हूँ फन कंटेंट, काइंड ऑफ फूड रिव्यूज एंड व्लॉग्स, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो जाओ और जाकर अभी सब्सक्राइब करो एंड शो योर लव। ओके, तो बबल सॉर्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो, सॉर्टिंग का क्या मतलब है, वैसे तो आपको पता है आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या एमसीए स्टूडेंट होंगे। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि आपको कोई भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इन द सेम वे अगर आपको कैरेक्टर्स गिवन है तो उनको आपको या तो अल्फाबेटिकली उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, या फिर आप कह सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सॉर्टिंग। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं आज बबल सॉर्ट की, तो बबल सॉर्ट एक काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बट क्योंकि आपके करिकुलम का पार्ट है और आपको ब्रूट फोर्स भी पता होना चाहिए कि ब्रूट फोर्स एक्चुअली कैसे वर्क करता है। क्योंकि बहुत बार मेरे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी एग्जैक्टली सॉर्टिंग लगानी है। तो ब्रूट फोर्स क्या होता है, हर सिचुएशन में काम करता है, तो इसलिए हमें उसका पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। तो देखो, बबल सॉर्ट क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन नंबर्स पे अप्लाई करना बताती हूँ और उसके बाद फिर हम इसका एल्गोरिथम देखेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ पर एरेस लिया है, एरेस पर मैं आपको सॉर्टिंग अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इन द सेम वे अगर डेटा अवेलेबल है लिंक लिस्ट की फॉर्म में भी तो वहां पर भी सेम एल्गोरिथम वर्क करेगा, बट जो डेटा आप लोगे, डेटा का कंपेरिजन करोगे, वो सब किस फॉर्म में लिखा जाएगा, लिंक लिस्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब जैसे अगर मुझे डेटा कंपेरिजन करना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी a(i) + 1, बट इन केस ऑफ आपका लिंक लिस्ट आप उसको कैसे लिखेंगे, जो हम पीटीआर लेके चलते थे, लिंक लेके चलते थे, इन सब की फॉर्म में वो सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं एरेज की। तो यहां पर हम स्टेप वाइज चलेंगे, तो स्टेप वन की बात करते हैं। तो स्टेप वन क्या कहता है कि आपको क्या करना है, जीरोथ इंडेक्स पर अवेलेबल नंबर को कंपेरिजन करना है फर्स्ट इंडेक्स पर अवेलेबल नंबर से। अगर A ऑफ 0 इज लेस देन A ऑफ 1 है तो ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नंबर्स को कंपैरिजन करना है। बट अगर दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू तो हमें A0 एंड A1 को क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। मतलब देखो, हमने कंपैरिजन किया सबसे पहले 32 और 51 को, 32 इज लेस देन 51, यस कंडीशन इज ट्रू, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम जाएंगे अब नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम कंपैरिजन करेंगे 51 और 27 का। देखो, जब हमने फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट पास हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या नंबर आया, कुछ भी स्वैपिंग नहीं हुई थी, तो ये एज इट इज आ गया। अब हमने नेक्स्ट किसका कंपैरिजन किया है, 51 एंड 27 का, बट नाउ 27 इज लेस देन 51 और वो उसके बाद है, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 32, 27, 51, 85 एंड 65, ये आ जाएगा। देखो, हमें क्या करना है, उसको फॉरवर्ड, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है ना, तो हमें क्या करना होगा, अगर फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट मतलब जो प्रीवियस इंडेक्स है उस पर बड़ा नंबर अवेलेबल है तो उसको हमें बाद वाले इंडेक्स पे पहुंचा देना है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर अब सेकंड पास के लिए हमने किसे कंपैरिजन किया था, इन दोनों को कंपैरिजन किया था। अब हम किसे करेंगे, नेक्स्ट टू नंबर्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि 51 और 85 को। तो देखो क्या होगा, 51 ऑलरेडी 85 से छोटा है, तो यानी कि इस पास में कुछ भी स्वैपिंग नहीं होगी, ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट पास के लिए हम किसको कंपैरिजन करेंगे, नेक्स्ट टू नंबर्स को, तो 65 इज लेस देन 85 तो हम इसको स्वैप कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51, 65, 85। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप वन, जिसमें कि हमारे पास कितने पास आए, 4 पासेस आए हैं। स्टेप टू पर चलते हैं। स्टेप टू में हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। ओके, तो सो सेम क्वेश्चन में मैंने कुछ नंबर्स और बढ़ा दिए हैं और उसी में हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है,
तो स्टेप वन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कंपैरिजन होगा 32 एंड 51 का। तो हमारे पास क्या आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि a ऑफ 0 इज लेस देन a ऑफ 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट पास में किसका कंपैरिजन होगा, नेक्स्ट टू नंबर्स का, यानी कि 51 27 का, बट नाउ 27 इज लेस देन 51, सो दीज टू नंबर्स विल बी स्वैप्ड। तो ये आएगा हमारे पास 85 66 23 13 एंड 57। नाउ नेक्स्ट टू नंबर्स विल बी कंपेयर्ड, तो 32 27 बट 51 इज लेस देन 85, तो हमारे पास इस पास में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे और डेटा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट टू नंबर्स को कंपेयर करेंगे, नाउ 66 इज लेस देन 85, तो ये दोनों नंबर्स हमारे स्वैप हो जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 66, 85, इन्हें स्वैप कर दिया है मैंने जस्ट, 13, 57। नाउ कौन कंपेयर किया जाएगा, 85 एंड 23। आपको ध्यान रखना है हमेशा आगे वाले टू नंबर्स कंपेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो 32, 27, 51, 66 एंड 23, इन दोनों नंबर्स को हमने स्वैप कर दिया है। एंड नाउ किसको कंपेयर करेंगे, 85 एंड 13 को, तो अगेन 13 इज लेस देन 85, तो दोनों नंबर्स स्वैप कर दिए जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 13, 85, 57। नाउ लास्ट टू नंबर्स विल बी कंपेयर्ड और ये दोनों भी स्वैप कर दिए जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 66, 23, 13, 57, 85। तो आपने अगर देखा हो तो इस स्टेप के सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर था इस सारे का, वो सबसे लास्ट में जाके लग गया है। अब हम देखते हैं स्टेप टू। तो स्टेप टू के लिए जो एरेज रहेगा वो हमारे पास रहेगा ये वाला, इस एरे पर हम लोग लगाएंगे स्टेप टू को। तो कौन से नंबर्स कंपेयर होंगे, 32 एंड 27, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पहले, 32, 27, 51, 66, 23, 13, 57 एंड 85। तो सबसे पहले ये दोनों नंबर कंपेयर होंगे, 27 इज लेस देन 32, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, 32। नेक्स्ट टू नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तो 32 इज ऑलरेडी लेस देन 51, तो कुछ भी यहां पर स्वैप नहीं होगा। नेक्स्ट टू नंबर्स को कंपेयर करेंगे, तो 51 इज अगेन लेस देन, तो कुछ भी यहां पर स्वैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट टू नंबर को कंपेयर करते हैं, 66 एंड 23, नाउ 23 इज लेस देन 66, तो उन दोनों को हम लोग करेंगे स्वैप, 23 और 66। 66 एंड 13 को कंपेयर करेंगे, तो 13 इज लेस देन 66, तो दोनों के दोनों स्वैप हो जाएंगे, 51, 23, 13, 66, 57 एंड 85। नाउ 66 एंड 57 विल बी कंपेयर्ड, तो फिर से स्वैप होंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 66 एंड 85। एंड नाउ लास्ट टू नंबर्स विल बी कंपेयर्ड, तो ये ऑलरेडी करेक्ट प्लेसेस पर है, तो कुछ भी यहाँ पर कंपैरिजन का, कुछ भी यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी। तो अब अगर आप देखो तो स्टेप टू में जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर था इस एरे का, वो सेकेंड नंबर पे, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है, यानी कि नंबर्स बैकवर्ड डायरेक्शन से असेंडिंग ऑर्डर में लगना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग कितने पासेस निकालेंगे, यहाँ पर देखो कितने नंबर्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, यानी कि टोटल 7 स्टेप्स आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। एंड आफ्टर अप्लाइंग 7 स्टेप्स आपके पास जो एरेज आएगा वो फाइनली सॉर्टेड एरे आएगा। तो एग्जाम में जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम आप जब लिखते हैं, तो वहां पर आपको ये सारे के सारे स्टेप्स करके दिखाने होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप राउंड करके दिखाएंगे और बताएंगे कि बिकॉज यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, बिकॉज 51 इज लेस देन 20, सॉरी ग्रेटर देन 27, सो दीज विल बी स्वैप्ड, और ये वाला स्टेप इस तरीके से आप कॉपी में, मतलब नोटबुक में 10 मार्क्स का क्योंकि क्वेश्चन आता है, अगर स्वैपिंग आती है तो, सॉरी सॉर्टिंग का क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स का आता है, तो आपको ये चीजें वहां पर शो करके दिखानी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एट द एंड जो हमारे पास एरेज आएगा आफ्टर अप्लाइंग 6 स्टेप्स, तो वो आएगा सॉर्टेड एरे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी देखो स्टेप 3 जब लगाओगे तो आप इस एरे पर लगाओगे, जो लास्ट में हमारे पास आया है ना, इस एरे पे हमारे पास लगेगा। चलो देखो, मैंने जो मेरे पास नोट्स में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व था, तो
उसका मैंने यहाँ पर फोटो लगा दिया है क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाया है। तो देखो स्टेप टू तक तो हमने कर लिया था, स्टेप थ्री की हम लोग बात करते हैं। देखो स्टेप थ्री में भी हमने जस्ट क्या किया है, इस वाले एरे पर स्टेप थ्री लगाया है। तो सबसे पहले 27, 32 को कंपेयर किया है, देन 32, 51, 51, 23, 51, 13, 51, 57 एंड देन लास्ट में हमारे पास ये वाला एरे आ जाता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 66 लास्ट में लगा था, 57 अब थर्ड लार्जेस्ट नंबर लग गया, यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट नंबर एंड देन फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर एंड देन सिक्स लार्जेस्ट नंबर एंड द लास्ट में हमारे पास सेवन्थ पास में हमारे पास सेवन्थ लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर लग जाता है। तो इस तरीके से आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर्स आ जाएंगे आफ्टर अप्लाइंग बबल सॉर्ट। अभी हम लोग देखते हैं इसकी एल्गोरिथम। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप्स ये हैं कि अगर डेटा पीटीआर इज ग्रेटर देन डेटा पीटीआर प्लस वन तो हमने उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इसको हमने मैंने जो आपको बताया है वो इस तरीके से बताया था कि ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन ए ऑफ वन है तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। अब बात आती है ये तो जो लूप लगे हुए, तो सबसे पहले फॉर के इज इक्वल टू वन से लेके एन माइनस वन तक हमने लगाया है, ये किस लिए है एंड क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरेज में। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी कि कितने स्टेप्स आपके पास आएंगे एन माइनस वन। अगर आपके पास सेवन एलिमेंट्स थे, देखो हमारे पास अगर यहाँ पर कितने सेवन एलिमेंट एट एलिमेंट्स हैं जैसे यहाँ पर, तो हमारे पास कितने स्टेप्स आए हैं सेवन स्टेप्स आए हैं। तो उसी के लिए है यहाँ पर कि अगर आपके पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो एन माइनस वन तक आपको ये लूप चलाना है। उसके बाद यहाँ पर एक और लूप लगा है व्हाइल पीटीआर इज लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस के। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको ये बताती हुई आ रही हूँ स्टार्टिंग से कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे लास्ट में लग जाएगा, सेकेंड स्टेप में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर लास्ट में लग जाएगा, थर्ड स्टेप में थर्ड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर लग जाएगा। तो जब हमें ये चीज पता है इस सॉर्टिंग में इस तरीके से होता है तो हमें क्या लूप लास्ट तक लगाने की जरूरत है, लास्ट वाले नंबर्स को कंपेयर करने की जरूरत है। मींस कि देखो यहाँ पर जब हमें पता है कि 85 फर्स्ट स्टेप में यहाँ लग चुका है तो सेकेंड स्टेप में क्या हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करने की जरूरत है, नहीं है हमें जरूरत। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने स्टेप पासेस आए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आए थे, यहाँ पर आए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आए हैं। यहाँ पर देखोगे तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 आए हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आए हैं, यहाँ पर 4 आए हैं, यहाँ पर 3 आए हैं, यहाँ पर हमारे पास एट द एंड 2 पासेस आए हैं। ठीक है, लिखा नहीं है मैंने लास्ट वाला। तो इसका क्या मतलब है, जब हमें पता है कि लास्ट में लार्जेस्ट नंबर एग्जिस्ट करता है तो हमें बाकी दो नंबर्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, हर पास में यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे पासेस में लिखा है तो मैं इसी की बात कर रही हूँ, तो इसलिए हमें हर पास में लास्ट टू नंबर्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हर पास में एक स्टेप कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये वाला जो लूप लगाया ना व्हाइल पीटीआर इज लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस के, वो इसीलिए ही हमने यहाँ पर लगाया है। ये इसका प्रोग्राम है। देखो यहाँ पर जस्ट क्या किया, मैंने पहले तो यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करवाया, उसके बाद एलिमेंट्स को एंटर करवाया है। यहाँ पर लगाया है फॉर लूप जो कि इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इफ लूप को समझ लो, इफ ए ऑफ के इज ग्रेटर देन ए ऑफ के प्लस वन, यानी कि ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन ए ऑफ जीरो प्लस मतलब वन, तो हमने उन दोनों को स्वैप करा दिया है। उसके बाद जो ऊपर वाला लूप है ये लगाया है हमने जीरो से लेकर माइनस वन तक, क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको अगर आपके पास फाइव एलिमेंट्स हैं तो जो पासेज आएंगे आपके पास वो कितने आएंगे, फोर पासेज आएंगे। तो उसके लिए है ये, यानी कि ये वाला जो लूप हो गया वो आपका हो गया किसके लिए, पासेज के लिए। ठीक है, और ये वाला जो फॉर लूप हमने लगाया है वो लगाया है इंटरनल स्वैपिंग के लिए, इंटरनल कंपेरिजन के लिए, इंटरनल कंपेरिजन के लिए। तो देखो ये जो लूप लगाया है मैंने लगाया है जीरो से लेके के लेस देन एन माइनस आई माइनस वन तक, क्यों, ये हमारे पास लेट सपोज एन इक्वल्स टू फाइव है तो ये जो फॉर लूप आई वाला जो फॉर लूप है ये कहां से कहां तक चलेगा, आई इक्वल्स टू जीरो से लेके चलेगा ये आपका थ्री तक, एन माइनस वन इज फोर और क्योंकि लेस देन है तो जीरो टू थ्री यानी कि फोर टाइम्स ये चलेगा। उसके बाद अंदर वाले लूप की बात करते हैं, तो देखो आई इक्वल्स टू जीरो के लिए बात करते हैं सबसे पहले हम, तो i इक्वल टू जीरो, i इक्वल्स टू वन, i इक्वल्स टू टू, i इक्वल्स टू थ्री, ये तो हो गए पासेस यहाँ पे, यानी कि टोटल फोर पासेस आएंगे। उसके बाद हम अंदर k वाले लूप की बात कर रहे हैं, तो देखो k इक्वल टू जीरो के लिए चलेगा सबसे पहले ये, n कितना है हमारे पास फाइव माइनस आई इज जीरो माइनस वन यानी कि फोर, यानी कि ये k इक्वल टू जीरो से थ्री तक चलेगा, k इक्वल टू जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए एंड
3 के लिए चलेगा ये, ठीक है। तो 0 वाले के लिए इन दोनों को कंपैरिजन करेगा, k इक्वल्स टू 1 के लिए इन दोनों को कंपैरिजन करेगा, 2 के लिए इन दोनों को कंपैरिजन करेगा, एंड 3 के लिए इन दोनों नंबर्स को ये कंपेयर करेगा। I इक्वल्स टू 1 के लिए चलते हैं, I इक्वल्स टू जब 1 हो जाएगा तो ये लूप देखो कहां से कहां तक चलेगा, k इक्वल्स टू 0 से लेके n इज 5 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 3 यानी कि 2 यानी कि ये चलेगा k इक्वल टू 0, k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू 2 के लिए ये चलेगा। तो क्या होगा देखो, इन दोनों को कंपेयर करेगा, सबसे पहले देखो इन दोनों नंबर्स इन दोनों को कंपेयर करेगा, k इक्वल टू 0 के लिए, k इक्वल्स टू 1 के लिए इन दोनों को कंपैरिजन करेगा, k इक्वल्स टू 2 के लिए इन दोनों को कंपैरिजन करेगा, और i इक्वल्स टू 2 के लिए चला जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट वाले नंबर को अभी कंपेयर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी ये बड़ा नंबर जा चुका है तो उसको बार बार कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट के लिए फिर से बताती हूं, देखो i इक्वल्स टू 2 के लिए जब चलेगा ये लूप तो k का लूप देखो कितनी बार चलेगा, n इज 5, i कितना हो चुका है 2 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया, और क्योंकि लेस देन है तो k इक्वल टू 1 तक चलेगा, तो k इक्वल टू 0 के लिए और k इक्वल टू 1 के लिए ये वाले दो पास यहाँ पर, दो स्टेप्स यहाँ पर चले जाएंगे। तो k इक्वल टू 0 के लिए ये दोनों कंपैरिजन होंगे, k इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों कंपेयर होंगे, क्योंकि लास्ट में अब ये दोनों नंबर्स बड़े वाले हमारे पास चुके हैं तो इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब कि ये लूप एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है, एंड देन लास्ट में जाके हमने क्या किया है, जो भी सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया है। जल्दी से मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, कंट्रोल F11, 5 नंबर्स को एंटर हमें करना है, तो 50, 80, तो एलिमेंट्स आ गए 30, 50, 60, 80 एंड 90। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क कर रहा है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो सोचो जरा वीडियो को पॉज करके कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आएगी। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं इस वाली ये वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, तो देखो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास कितने कंपैरिजन हुए थे, n माइनस 1, उसके बाद कितने कंपैरिजन हुए, n माइनस 2, उसके बाद n माइनस 3, और कब तक होते रहे थे ये कंपैरिजन, ये हुए थे हमारे पास जब तक कि हमारे पास इसकी वैल्यू 1 नहीं हो गई थी, हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं रह गया था, राइट। तो अगर मैं इसको लिखती हूं तो हमारे पास देखो जो फंक्शन बनेगा वो कुछ ये बनेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। सबसे पहले कंपैरिजन हुए n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2, उसके बाद n माइनस 3 अप टू 1 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई है, तो अगर आप इस सीरीज को सॉल्व करते हो तो आपके पास ये कुछ आउटपुट आता है, और ये हमारे पास अगर हम देखें तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर की ये हमारे पास एट द एंड कॉम्प्लेक्सिटी ये देता है, यानी कि बबल सॉर्ट की जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहती है हमारे पास बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। सो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसकी होगी वर्स्ट केस में, और वर्स्ट केस कब आएगा, जब आपके पास जो एरेज दिया हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और आपको उसको लगाना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हो गया मेरे पास वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बट अगर बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बेस्ट केस हमारे पास कब बनेगा, जब एरे जो हमें गिवन है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उस केस में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है बिग ओ ऑफ एन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वो बिग ओ ऑफ 1 रहती है, क्योंकि हमें एट द एंड मेमोरी में बस टेम्प जो वेरिएबल हमने यूज किया था उसका यूज करना पड़ता है, बाकी मेमोरी में और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है हमें। ओके गाइज, आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मैंने पूरी कोशिश की है ये जो लेक्चर है आपको इजी से इजी लैंग्वेज में डिलीवर करने का। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे सेलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, गुड लक।